मामा दीदी को हम लोग मतलब अपना गर्लफ्रेंड के जैसा मानते हैं, और साथ में मामा दीदी को हम लोग ऐसा गर्लफ्रेंड की तरह भी करते हैं, और साथ में साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये है मामा दीदी, ये बहुत ही शर्मा रहा है क्योंकि बोल रहा है कि कैमरा के सामने नहीं आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा मामा दीदी। हेलो गाइस, रोहित माथो यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। और कैसे होंगे आप सभी, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और रोहित माथो यूट्यूब चैनल में बेस्ट होंगे। आज हम घर में ही और घर में ही शूट कर रहे, जो आज आया हुआ है मतलब मंटू का मामा दीदी आया, तो उसका भी हम आपको फोटो दिखाएंगे, उसका भी थोड़ा जानकारी हम लोग को देंगे कहाँ से क्या आया है। और मेरा मामा दीदी मेरे को शूट करते के टाइम, ये है मेरा मामा दीदी, और शूट करने के टाइम बहुत ही हंस रहा है क्योंकि क्या क्या कर रहा है क्या नहीं है सब के बारे में। जो लड़की जो ज़्यादातर मतलब क्या बोलेंगे, पहले ज़माने का जो होता है थोड़ा बहुत मतलब एज जिसका हो गया, वो लोग ये डिजिटल में उतना वो लोग का अच्छा नहीं लगता, तो उसी के आज वो लोग को दिखा देंगे और उसी के बारे में आप लोग को बता देंगे। तो चलिए उस वो लोग का थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं, और चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। ये है मामा दीदी, ये बहुत ही शर्मा रहा है क्योंकि बोल रहा है कि कैमरा के सामने नहीं आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा मामा दीदी से उतना जान परिचय नहीं ले लेते हैं, और हम ही खुद अपना इंटरव्यू मतलब मामा दीदी का दे देते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। ये मेरा मंटू भाई अभी बंदर के जैसा भी थोड़ा शकल उकल दिखा रहा है, और साथ में जीभ भी निकाल रहा है क्योंकि बंदर के जैसा ही थोड़ा बहुत ये करता है एक्शन और सब कुछ मतलब बंदर के जैसा है, और पूरा दिन भर मस्ती उस्ती करता रहता है, इधर उधर दौड़ते रहता है, दोपहर को भी सोता नहीं, रात को भी मतलब बहुत लेट करके सोता है क्योंकि मोबाइल देखने का बहाना करता है, और बहुत ही मोबाइल में ये इंटरेस्ट है क्योंकि मोबाइल में ही पूरा दिन पूरा व्यस्त रहता है। चलिए और भी आप लोग को दिखा रहे हैं। ये मेरा चाचा का जो मतलब साड़ी क्या बोला तूने आया, तो उसको हम लोग मामा दीदी बोलते हो, और ये मंटू भाई, तो इसका भी मतलब मामा दीदी है, मेरा भी मामा दीदी है, तो हम लोग मामा दीदी को बहुत पहले से हम लोग मतलब क्या बोले, बहुत पहले हम लोग घर में बातचीत जैसे करते थे, बातचीत करने के टाइम थोड़ा हम लोग मतलब कौन किसका मामा दीदी क्या है हम लोग ऐसे ही बोल देते थे, और साथ में मामा दीदी को हम लोग मतलब अपना गर्लफ्रेंड के जैसा मानते, ये बड़ी अच्छी बात कही आप मानते हैं, और साथ में मामा दीदी को हम लोग ऐसा गर्लफ्रेंड की तरह भी करते हैं, और साथ में कहीं भी जाने से कि एक थोड़ा बंगला में हम अभी एक तो बात आप लोग को बता दे रहे हैं, मैं क्या करूँ फिर जॉब छोड़ दूँ कि उल्टा तौर बहु उल्टा हमार बहु ये सब करके हम लोग मतलब हम लोग मेरा पापा जी लोग तीन भाई है ना, तो मेरा पापा जी लोग तीन भाई, तो तीन भाई होने के हम लोग छः भाई है, तो छः भाई का बंटवारा करते हैं घर का, एक तो दादी को एक करते हैं जो बड़ा का, और दूसरा का दुमुंग वाला, तीसरा ऐसा करके हम लोग पूरा बांट लेते हैं, और उसका वो वाला है इसका वो वाला है करके मेरा जो ये है। अरे कहना क्या चाहते हो, ये जो आप लोग माँ दी दिखाई दी है मेरा वाला, तो इसीलिए हम लोग पूरा बंटवारा करते हैं घर में, जो मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोले बोलने में शर्म आ रहा था, क्योंकि जो हम लोग घर में ये सब बातचीत करते हैं, और साथ में आप लोग को भी बता रहे हैं, और बात को हम शेयर कर रहे हैं, तो आज का और भी आप लोग को बता रहे हैं आप लोग को। मामा दीदी लोग का घर जो हम एक ब्लॉग आप लोग को शूट करके दिखा दिए थे जहाँ शादी वाला था, तो उसी जगह का है, जो इन लोग का जगह का खड़ंगाजाड़ होता है ना, जो टेलको उस साइड खड़ंगाजाड़ इधर है खड़ंगाजाड़, तो उसी के मतलब अंदर में है 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव पड़ता है केदारटन, तो उसी जगह से मामा दीदी लोग हैं, वहां से आज आए हुए हैं करीब दोपहर के 12 बजे करीब आए हुए, और साथ ही आज रात रहेंगे हम लोग के घर में, और कल सुबह को बोल रहे चल जाएंगे, तो लोग आपको वो भी दिखा देंगे। और ये देखिए मेरा भाई का खेलने वाला सामान है सब, ये पूरा भी मतलब सात खत्ती खेलते हैं ना, तो ये मेरा मंटू भाई लोग खेलता है डेली शाम को, ये बनाया हुआ है पूरा घिस घिस के, ये टाली का है, टाली से ये लोग पीट पीट के बनाया, बनाने के बाद पूरा घिसा हुआ है चारों साइड में रगड़ रगड़ के घिसा हुआ है, और घिसने के बाद ये लोग पूरा अच्छी तरह से दिखा जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और भी आप लोग को दिखा दे रहे। आज का जो मतलब मामा दीदी के बारे में आप लोग को जानकारी कैसा लगा, और साथ में हम अपना जो गर्लफ्रेंड के रूप में मानते और साथ ही मामा दीदी बोलते हैं, तो मामा दीदी होने के नाते मैं उतना दूसरा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मामा दीदी होने के हम लोग जो घर में डिस्कस करते हैं वो उसका भाव है ये इसका भाव है बोल के हम लोग बातचीत करते हैं, और साथ में आज का ब्लॉग को यही करते हैं एंड। आज का ब्लॉग आप लोग का कैसा लगा, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा, तो अच्छा अगर लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।